I'm producing a film next year. So hey guys, welcome back to another video. तो गाइस हनी पाजी आईफा शो के अंदर दो दिन बैक टू बैक जी फाट परफॉर्म किए। आई होप कि हनी पाजी के इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी शो में ही देख लिया होगा। उनसे ज्यादा वाइल्ड परफॉर्मेंस किसी भी आर्टिस्ट के द्वारा परफॉर्म नहीं किया गया। इसी आईफा शो के अंदर से हमें एक बहुत एक्साइटेड कर देने वाली वीडियो निकल कर आई है। शो के बीच में जब कैमरा का एंगल घूमता है तो करण औजला और हनी पाजी जस्ट एक दूसरे के अगल बगल बैठे नजर आते हैं। अब दोनों आर्टिस्ट एक दूसरे के सामने बैठे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ कोलैब वगैरह की बात ही ना हुआ हो। जैसे ही इन दोनों के कोलैब का कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी हनी पाजी तीन न्यू सॉन्ग बोल के हनी पाजी ने दो ग्लोरी एल्बम के ट्रैक और एक रिमिक्स सॉन्ग परफॉर्म कर दिए। हनी बाजी के एक और वीडियो निकल कर आई है जिसमें अपने इंटरनेशनल मूवी के बारे में बातचीत करते हुए नजर आए। वह आगे बताते हैं कि इस मूवी का स्क्रिप्ट 2013 में ही उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था। इसकी शूटिंग अगले साल 2025 में शुरू हो जाएगी और हनी बाजी खुद इस मूवी को डायरेक्ट भी करेंगे। I'm producing a film next year and I'm directing it as my debut director. Wow, that's amazing. And I've written that script 13 years back. ग्लोरी एल्बम का इम्पैक्ट हनी पाजी के ओल्ड सॉन्ग्स पर भी आ रहा है। अलग अलग देश के अलग अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ग्लोरी एल्बम ट्रेंडिंग में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेट महकमा एंड पायल ट्रैक फ्रॉम ग्लोरी एल्बम विदाउट म्यूजिक वीडियो के ही ट्रेंडिंग में है। चार्ट आपके सामने है, पॉज करके चेक कर लो। तो गाइस यहाँ तक आएंगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।